मगर मोहम्मद के अपने फॉलोअर ने ब्लास्फेमिक हरकत की थी, ही बर्न द ओरिजिनल कुरान, ही बर्न इट. एंड मैं समझती हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादा एक्स मुस्लिम्स छुपे हुए हैं, विच आई ऑल्सो फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. आई डोंट बिलीव दैट द कुरान इज अ बुक ऑफ रेवलेशन. दैट इज अनथिंकेबल. दैट इज द अनथिंकेबल. इट इज हैपनिंग. इट इज हैपनिंग कंटीन्यूअसली. इट इज गोइंग टू बिकम एन अवलांच, अ सुनामी दैट इज गोइंग टू हिट आवर कम्युनिटी इन सच अ वे दैट वी विल हैव very difficult times then. It will knock us over. So basically, I would recommend कभी भी कोई कुरान को पढ़कर छोड़ा कुरान. Yes, कुरान को पढ़के. And your friend, she went to Makkah Madina. Yes, she went for Hajj and she came back and she left Islam. वो ऊपर जन्नत में जाती है, वो तो आला ताला मैंने सुना है कि खिलाते हैं कुछ बिठा के. मतलब वहाँ अलाउड नहीं, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? जमीन पे भी एंजॉय करने तो थोड़ा सा है. मिडिल क्लास के लोग हैं वो. And then we also have those जो कि इस्लाम में बहुत डूबे हैं, जो इस्लाम में बहुत डूबे हैं. They are the ones who can easily find the flaws. नमस्कार, ऑर्गेनिक मीडिया में आपका फिर से स्वागत है. पिछले कुछ समय से एक्स मुस्लिम्स की तादाद बढ़ रही है, और ऐसे धीरे धीरे नहीं बढ़ रही है, नंबर्स आर ह्यूज, साइलेंटली बढ़ रही है. आप यूरोप ले लीजिए, एशिया ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में आप देख लीजिए, नंबर इनका डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है. अगर इतना शांति प्रिय है, अगर ये समुदाय है, ये रिलीजन, तो फिर एक्स मुस्लिम्स आ कहाँ से रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा. इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है अमीना सरदार जी. अमीना जी एक यूट्यूबर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, डेनमार्क में इलेक्शंस की जोरों शोरों पर तैयारी कर रही है, और शी इज वेरी वेरी बोल्ड टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. अपने वर्ड्स को बिल्कुल मिंस नहीं करती है, मिक्स नहीं करती है, और जो बोला है बेधड़ाक होती है. सो अमीना जी, आपका ऑल्टिंग मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है. नमस्ते और शुक्रिया मुझे लेने का, आज बुलाने का, इस टॉपिक पे बात करने का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है. यू नो द राइज ऑफ द एक्स मुस्लिम्स, और जहां तक मुझे पता है गायत्री जी, वो ये है कि कुछ लोग तो सामने हैं, लाइक 24-25% जो हमको पता है इस वक्त, जो नजर आते हैं, और काफी हद तक मैं ये कहूंगी जो एक्स मुस्लिम्स है, देयर अंडरग्राउंड कहते नहीं, छुपे हुए हैं. और मैंने जो नोट किया है और जो सुना है और पढ़ा है, जो आप उसको यूट्यूब पर देखे, आप उसको गूगल अप करें न्यूज में, इट्स नॉट बिकॉज आई एम सेइंग इट, इट्स ऑल ओवर द प्लेस. मुल्ला भी कहते हैं कि इंसान समझता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही हो रहा है, मगर जहां तक मैं समझ रही हूँ और जब मैं सुनती हूँ, इट इज अ लॉट यू नो गोइंग ऑन लाइक मुस्लिम कंट्रीज में. सऊदी अरब में हो गया, जैसे जाकिर नाइक ने अपनी एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक दफा सऊदी अरब गए थे, तो उधर उन्होंने क्या कहते हैं लेक्चर दिया था कि भाई एथियज्म क्या होता है, जो कि वो शॉक में हो गए कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में एथियज्म के ऊपर वो बात कर रहे हैं. इट्स लाइक मेनी इयर्स अगो, आई थिंक इट वाज या तो 2012 और समथिंग लाइक दैट, आई कांट रिमेंबर, बट व्हेन ही टोल्ड, उन्होंने ये बात बोली कि जब मैं गया था तो उधर मैंने ये लेक्चर दी थी, और वो हैरान थे कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में, और जिस यूनिवर्सिटी जिस जगह पे वो लेक्चर देना चाह रहे थे, खड़े थे, वो एक बहुत ही एक वेल नोन जगह है, जहां पर जो कि मतलब इस्लाम का बड़ा ही टॉप नॉच, वहां पर जाके वो एथिज्म के ऊपर बात करना चाह रहे थे, मतलब गए थे वो, इन्वाइट हुए थे वो. सो उसी वक्त से ये चक्कर चल रहा है, मतलब क्यूरियोसिटी. और सऊदी अरब में जैसे कि अगेन उधर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई कि इस्लाम ये वो, और लोग छोड़ रहे हैं छुप छुप के, ऊंचा बोलते नहीं है, क्योंकि गायत्री जी इस्लाम का जो है अपोस्टेसी, जब आप इस्लाम छोड़ो तो उसकी सजा मौत है, एक मुल्ला ने कहा है, एंड ऑफ कोर्स आई कैन बैक इट अप, कोई अगर कभी बैकअप मांगेगा तो मैं दूंगी, मगर एक मुल्ला है उसने कहा है कि टू लीव इस्लाम इज अ बिग क्राइम. इट्स एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस्लाम को छोड़ना इज अ क्रिमिनल एक्ट, जबकि अल्लाह कुरान में सूरह अल बकरा 256 में कहता है कि यू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इटसेल्फ, कि इस्लाम में कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, क्योंकि जब आप सजाए मौत किसी को दे सकते हो इस्लाम छोड़ने में, तो कोई फ्रीडम नहीं है. सो बेसिकली इसी बेस पे बहुत से एक्स मुस्लिम्स छुपे हुए हैं मेरे ख्याल से. एंड मैं समझती हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादा एक्स मुस्लिम्स छुपे हुए हैं, विच आई ऑल्सो फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे ख्याल से इस्लाम, कुरान कहता है कि ये दीन तुम लोगों के लिए परफेक्ट है, बेस्ट है, सब दीनों से टॉप नॉच है. तो मैं कभी कभी बैठ के जब देखती हूँ, सुनती हूँ ये सब कुछ, तो मैं क्वेश्चन करती हूँ, आई मीन आई नो द आंसर, बट आई वंडर व्हाई लोग, मुसलमान लोग क्यों कहते हैं कि हमारा दीन इतना परफेक्ट है,
जब उनकी अपने लोग भाग रहे हैं और छुपे हुए हैं अंडरग्राउंड। अमीना जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने बोला कि मुस्लिम कंट्रीज में एक्स मुस्लिम्स ज्यादा है, ऐसा क्यों? आई थिंक मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप इस्लाम को देखें उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। इस्लाम में टू बी ऑनेस्ट है हर चीज के लिए बहुत ज्यादा कोटेड है, ऐसा लगता है कि मतलब पहाड़ लेके चल रहे हो सर पे। आई मीन इफ आई पुट इट ऑन अ यू नो कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, देयर इज नो लाइवलीनेस, उसमें कोई रंग नहीं, वाइब्रेंस नहीं है। या राइट, नथिंग, नो म्यूजिक, नो पोएट्री, नो नथिंग, नो डांसिंग। आप औरत जूता भी पहन के चले तो टक टक की आवाज नहीं आनी चाहिए, मतलब एक सुनसान रिलीजन है ये, सुनसान। एक मतलब इसमें जहां तक पोएट्री भी अलाउड नहीं है, बिकॉज़ दिस इज वेरी शॉकिंग टू आज के, मतलब नो पोएट्री, उर्दू इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड कितने सारे जो पोएट्स हैं वो मुस्लिम से ही थे। जी, पोएट्री इज नॉट अलाउड, इट्स रिटन इन द कुरान, पोएट्री इज नॉट अलाउड। फिर तो गुलजार जी को तो खड़े खड़े गोली मार देनी चाहिए उस हिसाब से। तो भाई पोएट्री भी करते हैं, बहुत कुछ लिखते भी हैं, गाने भी लिखते हैं, नाचते भी हैं। जी जी, देखो नेक्स्ट साइड में एक पॉइंट मारूंगी कि मुसलमानों को खुद को नहीं पता, जहां तक मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, इनको अपने इस्लाम का खुद नहीं पता। ये हम लोगों का एक साइड पॉइंट सिर्फ मार रही हूँ, बिकॉज आई फाइंड इट वेरी क्रूशियल कि ये हम लोगों को कह देते हैं कि हम ब्लास्फेमिक है, वी टॉक ब्लास्फेमिक, या हम कोई हरकत ब्लास्फेमिक करते हैं, मगर मोहम्मद के अपने फॉलोअर ने ब्लास्फेमिक हरकत की थी, ही बर्न द ओरिजिनल कुरान, ही बर्न इट। ठीक है, तो हमको आके मुंह तबड़ा खोल के बोल देना कि हम ब्लास्फेमिक हैं, नहीं, ही री रोड द कुरान एंड ही बर्न द ओरिजिनल कुरान। तो मैं तो ब्लास्फेमिक नहीं हुई ना, मैंने तो कोई कुरान को फाड़ के नहीं खाया या कुछ ऐसी हरकत नहीं की। पहले ब्लास्फेमिक हरकत तो मोहम्मद के फॉलोअर ने की थी। ठीक है, तो एक साइड पॉइंट है कि इनको खुद को नहीं पता कि इनका दीन क्या है, और जिनको फिर पता चलता है कि व्हाट इज द इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम्स रियल फेस, उसका असली चेहरा क्या है, वो छोड़ देते हैं। मैं खुद वही हूँ कि मैंने भी प्रोटेक्ट किया जब तक मुझे पता चला कि इस्लाम क्या। ओह यस, आई फॉरगॉट, आई मीन आई लुक एट यू एज अ यूट्यूबर एंड आई लुक एट यू एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आई फॉरगॉट द पॉइंट दैट यू आर एन एक्स मुस्लिम एंड हु कैन नो इस्लाम बेटर देन यू। यस, यू नो मैं खुद मतलब एक मुसलमान रह चुकी हूँ, एक्सट्रीम लिबरल। गायत्री जी, अगर आप मुझे पहले देखती ना, आप कहती आमिना मुझे नहीं पता आप किस मिट्टी की बनी हुई हो, कैसे मुसलमान हो, मतलब आप मेरे मुंह पे कुछ भी बोल सकती थी, अल्लाह के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर, किसी, मुझे गुस्सा कभी नहीं आना था। आई वॉज वेरी कूल एज अ क्यूकम्बर, क्योंकि मैं उस चीज को सीरियसली नहीं लेती थी, क्योंकि मेरा अपना एक सोच था, बहुत खाम थी मैं, मगर और जाकिर नायक को फॉलो करती थी। ओ माय गुडनेस, शुश कबाब, और जो पीछे कभी सुनती हूँ, सोचती हूँ ना, मैं कहती हूँ हाउ कुड यू, आई मीन बीइंग सो लिबरल एंड लॉजिकल, हाउ कुड यू फॉलो ना जाकिर नायक, वो धरती को छप्पे बना देते हैं, पौधे रोते हैं, ये गिना देते हैं, आई मीन देयर इज नो लॉजिक इन हिम। वही वही, उसको मैं क्यों, देखो जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन होता था ना, लाइक दुनिया किसने बनाई, तो पता नहीं क्या ये और वो, तो आई ऑलवेज यूज टू हिट इट अप व्हाट जाकिर हैड सेड, यू नो, एक ढूंढ लिया था जो कि बड़ा अच्छा एक्सपर्ट, ही इज वेरी गुड इन सेलिंग हिज प्रोडक्ट, लेट मी पुट इट दिस वे, उसका प्रोडक्ट इस्लाम है, उसको बात करने का तरीका आता है, एंड द थिंग इज वो हमेशा वर्सेस दिखाता है, मैंने कभी डबल चेक, सेल्समैन, ही इज अ गुड सेल्समैन, वेरी गुड सेल्समैन, तो मैंने उस पर यकीन किया इन द बिगिनिंग एटलीस्ट, उसके बाद यू नो एंड आई वाज सेटिस्फाइड। मगर जब चंद चीजें मैंने देखा लाइक हदीस के ऊपर, मेरी फ्रेंड ने जब एक हदीस, उसने इस्लाम छोड़ दिया हज पे जाके, तो मैंने कहा हज पे जाके कैसे कोई इस्लाम छोड़ता भाई, सो दैट वाज माय जर्नी, यू नो, एंड देन आई गॉट क्यूरियस, उसके बाद कुरान को पढ़ के मैंने छोड़ा। सो बेसिकली आई वुड रिकमेंड कभी भी कोई कुरान को पढ़कर छोड़ा है आपने, कुरान, यस, कुरान को पढ़ के, एंड योर फ्रेंड शी वेंट टू मक्का मदीना, यस, शी वेंट फॉर हज एंड शी केम बैक एंड शी लेफ्ट इस्लाम। So what was the shocking, what she saw there? For her, it was about ke, first of all, what she saw all wrong is कितना बड़ा बिल्डिंग खड़ा है, उसके सामने लोग सजदा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और मर्द आधा नंगा घूम रहे हैं वहां पर। She didn't understand that. और एक और पॉइंट था, उसने कहा कि एक दरख्त था वहां पे, पूजा पाजी हो रही थी, खास एक दरख्त जो खड़ी होती है वहां पर एक, और एक जगह था उसने कहा कि जहां पर दिखाया गया कि यहाँ पर आदम और ईव नीचे उतरे थे। She was like, this is nonsense. She didn't want to believe that. And that was enough for me कि मेरी curiosity, जब उसने बोला तो मैं सख्ते में चली गई, मैंने कहा ये कैसे, अच्छा मैं उसको इस्लाम की तरफ वापस लाना नहीं चाह रही थी, मगर in a way maybe I was trying to, so I was, you know, trying to, मैं खुद कुरान को खोला, मैंने कहा okay let me investigate, if I have to convince somebody I have to know my thing, तो कुरान को समझने में, इस्लाम को समझने में मैंने इस्लाम ही छोड़ दिया। Oh my god, that's the real, I can't believe this. I wanted to study it so that you could convince her and she could come back to Islam.
to maybe just tell her that what you're thinking is not like that, or the other people, you know, jo mere apne jahan par jo koi aur log hain unko convince karna, you know, batana ki Islam is not that bad and everything. To maine yakeen karo Quran ko 3-4 dafa khoob padh ke maine na uske baad I realized, oh shoot, and I was literally ghot ke pee liya, jisko bolte hain Quran ghot ke pee liya, uske baad laga, oh my god, this is bitter. It was horrific. जो मैंने as a Muslim ढूंढा कि हज का कोई डिटेल नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने हदीस को तो छोड़ चुकी थी मैं, तो जब मैंने ये चीजें चक्रवाती हज का कोई डिटेल नहीं है, means I mean you're giving one shocker after the other, so there is no detail about Hajj. There is about something called Hajj, and then it says tawaf. It doesn't say go 7 times round. So 7 times is something that we do in Hindus, honestly. Yes, darling, exactly. That is called parikarma, or even shadi ke fere 7 times. हाँ, ये लिखा हुआ है हदीस में, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ. कुरान में ना रमजान का डिटेल में लिखा हुआ है, रमजान मतलब देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई रेड एंड आई रियलाइज्ड समथिंग इज ऑफ. आई स्टार्टेड बाय द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड एज अ मुस्लिम, और ये इसी तरीके से जर्नी एक्स मुस्लिम का शुरू होता है. आई थिंक इनोसेंटली आई ओपन द बुक, मुझे याद है 2 बजे रात तक मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जमीन पे एक लाइट खोल के. मुझे एक चीज ढूंढना था ना कि मैंने इस्लाम छोड़ देना था ऑन द स्पॉट, बस मगर वो मुझे मिल गया तो मैं सो गई आराम से. Magar it was not enough. I wanted to dig more and more and more and more. And I went into LinkedIn, Facebook pages. And the last for me was apostate prophet. That was the edge. And then I left. Aur mujhe yaad hai Gayatri ji, main bhi kehti hu, I really remember in this living room. Main aage piche chal rahi thi and I was crying. I was so upset. Ke maine aise khuda pe yakeen kiya. Jo exist hi nahi karta. Jo perfect hai hi nahi. So you know, this is what is happening around the world. They are studying it, they are realizing the reality of Islam. Aur main samajhti hoon ki this is just the beginning. I believe that 20 saal to dur ki baat, 20 saal se bahut pehle we will see like the rise to shuru ho gayi hai, but way top notch ex Muslims. Aur jab wo hit karega usko koi rok nahi payega, jaise ki us mulla coming like a tsunami, I guess. Big time. So I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is the unthinkable. It is happening. It is happening continuously. It is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community in such a way that we will. They get queries, they get questions, they get aware. I think education plays a huge role in this kind of enlightenment. Yeah, is you know, is type ki cheezon ke liye. Kyunki cross questioning hoti hai, dimag poochta hoga, I'm sure. Yeah, this is a very funny question, you know, that dharti chapti hai. I've seen many videos, honestly speaking, I've seen many videos talking like that. And they are teaching the same thing in madrasas to kids. But if agar real mein jo bachcha padhega science mein, kache school mein padhega, wo dekhega, earth is like a spherical ball. Right? It's like a 3D structure, not a 2D structure. Cross question karega. So awareness, I think, makes a huge lot of difference. What do you say, Amina, on this? Definitely. Dekho, I would say it's a mix. I don't always, jo main aaj dekhti hoon, maine logon ko dekha hai jo ex-Muslims hai. It's a mix of some, they are not the ones who are highly educated. Nahin. Unfortunately, they don't. But jo thode se, kehte nahin, middle class ke log hain, wo. And then we also have those jo ke Islam mein bahut dube hain. जो इस्लाम में बहुत डूबे हुए हैं, दे आर द वन हु कैन इजीली फाइंड द फ्लॉज, जो बहुत डूबे हुए होते हैं, बिकॉज उनके अंदर कुछ क्वेश्चन आने एक टाइम पे शुरू हो जाती हैं. आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट दैट्स द रियलिटी. जो इस्लाम में जो नए नए घुसते हैं, मतलब कुरान शरीफ पागलों की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, तस्बे ये वो, एंड देन इट हिट्स देम नॉट राइट अवे, मगर जितना वो कुरान को पढ़ेंगे उसकी ट्रांसलेशन, दे विल स्टार्ट फाइंडिंग द फ्लॉज. डेप्थ में जाएंगे. यस, विद इन 10 years प्लस माइनस, यू नो, 5 to 10 years, दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग सम थिंग्स ऑफ. अल्लाह कहता है कुरान में नमाज पढ़ोगे तो गलत काम नहीं करोगे, तो हाउ कम मुल्लाजात जो है मदरसा में बच्चों की बलात्कार करते हैं जब वो नमाज पढ़ते हैं, यू नो दीज थिंग्स. क्योंकि मैंने खुद एक के साथ बैठी हूँ, उठी बैठी हूँ, इट वाज अनबिलीवेबल दैट पर्सन फ्रॉम बीइंग अ फ्री बर्ड बिकेम अ यू नो कंप्लीट मुस्लिम इन द लाला लैंड. मगर उसने मुझे बताया, आज उसने इस्लाम छोड़ दिया बाय द वे, तो उसने मुझे बताया, मैंने उसको समझाया इसलिए क्योंकि वो मुझे खुद बोलती थी कि यू नो व्हाट, जब मैं कुरान पढ़ती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि अल्लाह कह रहा है कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम गलत काम नहीं करोगे. तो मैं सोचती थी उस हालत में भी कि फिर लोग गलत हरकत क्यों करते हैं. सो आई सेड टू हर, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी दिस, शी सेड हाउ कैन आई टेल यू व्हेन आई वाज टेलिंग यू टू प्रे. So that's what logic, you know, that cross questioning, that logic has to be there. Yeah, right. Yeah, and you know, as a Muslim, you're not supposed to question and out loud. आपको
Exactly. That's how you suppress. That's how you suppress. Yes. So jab main gayi uske paas, when I went to that person and I said, listen, I gotta tell you something. I actually left Islam. Oh, really? Why? So I started giving, you know, that person information, proof. 4 months, that person left Islam. So plain simple. Now that person is as well a... No, but there are certain things which actually I think, see, I'm not being religious here. I'm not am I being left wing or right wing. But certain things do not make a logic. Like how can you give women lower status? How can you approve slavery? How can you approve rape through a religious text? Damn it. I mean, you talk of some kind of porn or you kind of anything else, but a religious text which is supposed to be prayed and followed and worshipped, how can you, you know, how can you put those things in those books? Slavery, rape, subjugating women, not giving them equal rights, not giving them property. You don't have right to vote. Yes. Exactly. देखो उस दिन मैंने एक वीडियो है, मैं आपको भेजूंगी, यकीन करो उसमें एक खुद मुसलमान औरत स्लेवरी को एक्सेप्ट कर रही है अपने मियाँ के लिए या मर्दों के लिए, अगर उसका लस्ट बहुत हो. What the hell? अगर आप में लस्ट है तो कंट्रोल योर सेल्फ. Why would you buy a woman for your man or for your son or whatever? I mean, चार जुतियां नहीं लगाने का औरत तो आपने एहसास नहीं. अगर आप कोई कल कॉन्कर कर दे आपके मुल्क को, आपकी औरतों को, आपके साथ कोई ऐसी करे, हाउ वुड यू फील? यू वांट. आई थिंक द मेजॉरिटी प्रॉब्लम विद द मुस्लिम वर्ल्ड इज देयर वुमेन. आई डिड अ वीडियो विद नायला कादरी एंड व्हाट शी सेड वाज, आई क्वेश्चन द मदर्स इन पाकिस्तान कि उन्होंने क्या खा के पैदा किया है कि इतने, शी यूज्ड अ वेरी रॉन्ग वर्ड व्हिच आई एडिटेड आउट, कि ऐसे राक्षसों को यू नो पैदा किया आपने. मतलब उन्हें तो जो सजा मिलेगी ही मिलेगी, पर वो अपने लिए सजा ढूंढ ले कि उन्हें वो कहां कौन सी सजा उनके लिए मुकम्मल होनी चाहिए. आई एग्री. आई मीन इट्स horrific. औरत ही औरत की वर्स एनिमी है, बिलीव मी. दैट इज माय थॉट ऑन इट. मैं औरत को जब देखती हूँ इस्लाम में, एटलीस्ट आई थिंक, या आई एग्री, इट्स मोर इन इस्लाम, यू आर राइट. टू मच बैकस्टैबिंग, हर्टिंग, एंड देन व्हेन यू लुक एट दिस, जैसे कि मैं आपको एक वीडियोस का फॉरवर्ड करूंगी, आई स्टिल हैव इट बाय द वे, एंड देन इफ यू वांट टू शो इट यू कैन शो इट, बट लिटरली वो औरत इजिप्शियन, आई बिलीव शी इज एन इजिप्शियन लेडी, शी इज सेइंग यस टू सेलिंग एंड बाइंग, नॉट सेलिंग, बाइंग ए स्लेव. अगर एक आदमी का लस्ट बहुत है, ओए ये क्या, अगर आदमी का लस्ट बहुत है, चार शादियां एक औरत के साथ काफी नहीं है? तेरे को अभी स्लेव भी चाहिए अपने लड़के के लिए क्या, या अपनी मियाँ के लिए? आई मीन दे आर सिक पीपल, दे आर सिक एंड डर्टी माइंडेड पीपल यार. कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी और औरत के लिए, या अपने लिए, फॉर दैट सेक, अपनी जात के लिए, अपनी ये अपनी बेटे के लिए वो क्या करेगी? ऐसी आई नो आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट देन बेटे के लिए क्या करेगी? अगर वो देखेंगे तो यही बोलेंगे भैया इस्लाम में गड़बड़ है, ये और कम्युनिटी में गड़बड़ है, बेटर टू स्टे अवे. एंड कमिंग टू यार यंगस्टर्स की आज की सबसे बड़ी डिमांड क्या है? दे वॉन्ट फ्रीडम टू वेयर क्लोथ, टू डू व्हाटएवर दे वॉन्ट. I tell you something, there is a lady, a young girl in Egypt. Maine usse baat kiya. I think she, if I'm not wrong, she is lesbian. Very sweet girl. Magar uske liye bahar nikalna, it's horrific. Because she doesn't want to marry. Usne mujhe apna kisa bataya. Very sweet girl. She paints and everything. She wants to get out. Now, I can't take her out from there. I don't know how to help her. Really. Mera dil jalta hai aise logon ke liye. Aur uski maa ne kitna mara hai usko. Bure tarike se. You know, and she recently sent me, dekho, this is what happens then youngsters want to leave because they can't be themselves. Unko log khud apni zindagi ko marzi se nahi kar sakte. It's a crime to be homosexual, by the way, or however you may look at it. LGBT ke jo log hai wo Islam mein nahi zinda reh sakte. Abhi recently jo hai nikla, kyunki Muslim aurte jo hai Egypt mein, ye news nikla hai, इजिप्ट में ऐसा एक सिचुएशन हुआ वाया द मोमेंट, क्योंकि चंद वक्त पहले ये काफी सालों से हो रहा था कि औरतों को इतना मार मिल रहा है, इतना पीट मिल रहा है कि उनका जिस्म जलाया जा रहा है, एवरीथिंग. सो दे कमिटेड सुसाइड, द वुमेन इन मेनी नंबर्स. सो व्हाट हैपेंड इज नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड दैट एनी वुमेन हु कैन शो द प्रूफ ऑफ मार्क्स ऑन हर बॉडी कि मियां ने मारा है, नाउ शी विल गेट अ डिवोर्स. द गवर्नमेंट विल गिव देम द डिवोर्स. ओ क्या बात है भाई, अगर उनके जिस्म पे निशान है, ताकि औरतें सुसाइड ना करें क्योंकि नंबर ज्यादा हो गया सुसाइड का. ये हाल है मुसलमान मुल्कों का. एंड देन पीपल से why are Muslims leaving Islam? That is the reason. Because you treat Islam treats women and the people like crap. ये आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे
होमोसेक्सुअल्स का हो गया, एलजीबीटी के जो ग्रुप्स हैं, या अगर दो किस्म के लोग दूसरे को पसंद करते हैं लाइक इंडियन और मुस्लिम और क्रिश्चियन और मुस्लिम, दे कैन नॉट बी टुगेदर, उनको मारा जाएगा. दीज थिंग्स, अगर आप क्रिश्चियन को देखें, अगर वो किसी हिंदू के साथ इन लव हो जाते हैं, दे मैरी, देयर इज नो प्रॉब्लम. यू नो, अब मैं खुद एक क्या कहते हैं नॉन बिलीवर हूँ, डिसबिलीवर हूँ, मतलब मैं इस्लाम पे यकीन नहीं करती, मैं किसी भी उसमें नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी पे हूँ एंड ह्यूमनिस्टिक उसमें हूँ. तो अगर मुझे कोई इंडियन आदमी मिलेगा, कोई और मिलेगा, आई मीन इट विल बी नॉट अबाउट कि तुमने अपना बदलना है टू बी एबल टू बी विथ मी, इट विल बी वेरी इजी गोइंग. You know, for me, it will be very easy to do their, you know, wedding rituals. It will be no issue for me. Mere liye koi problem nahi hoga agar koi Hindu religion, wo kuch culture, kuch cheez karna hai shaadi ke baad ya Christianity mein, kyunki mujhe koi fark nahi padega. I will respect, there is something I have to do and that's it. Magar Islam mein ye cheez allow nahi hai. Islam mein do, matlab interfaith ki shaadi ijazat nahi hai for a woman. But for man it is another, you can see discrimination. So isiliye bahut se aurte jo ye react karti hain, ladke react karte hain, you know, kyunki limitations hai Islam mein. There are a lot of limitations. I think too much, my dear. And I think that it's because of limitations that people want to break free. You know, life is already very stressful. People don't want, and yeah. People want to enjoy life. Ab jaise music ko leke hai, poetry ko leke hai, liquor ko leke hai. I mean, I'm not promoting liquor, but yes, everything. Aapko upar jannat mein jaake wo to Allah Taala, maine suna hai ki pilate hai khud bitha ke. Matlab wahan allowed hai, to yahan pe kya problem hai? Zameen pe bhi enjoy karne do thoda sa unhe. वही तो हिपोक्रेसी होगी ना. आप अपने हाथ से पिलाओगे तभी पी सकते हैं बेचारे, बाकी जमीन पे पीने में उन्हें क्या इशू है. बट आई नो लॉट ऑफ मुस्लिम्स हु ड्रिंक एक्चुअली, दे सीक्रेटली ड्रिंक एंड दे ड्रिंक लाइक हेल, लाइक बैरल्स ऑफ बियर लाइक दैट. और बिकता है मुसलमान मुल्कों में. पाकिस्तान जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पता नहीं क्या है, उधर भी बिकता है. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बनाना पाकिस्तान. Yes. The only thing that comes to my face is smile. And a lot of people have asked me, why are you so cool when it comes to Pakistan? Mm. Actually, I saw a cartoon long time back that Pakistan is doing mujra and China is a pill. And that cartoon has got embedded in my mind. So whenever somebody mentions Pakistan, the first image that comes to my mind is that particular cartoon. I mean, and then obviously anything that comes from, like, you know, Kala Jadu of Imran Khan's wife to... I mean, there's no limit. What do I say? See, mera bilkul, I started smiling and again, so I'll get again serious. What are the other reasons? It's really good, like? I love it. It's a good humor, you know. So, yeah. I don't know. I mean, when Pakistan comes, that cartoon automatically comes to the mind and the smile is always there. I mean, maybe in a couple of months I might forget. But at least for now, it's amusing me. What other reasons can be there that people are leaving Islam? I think it's especially mostly, in context of Western countries. Now, since you said about, I mean, it's also freedom, of course. It's a combi of freedom. It's a combi of that you are, you know, a homosexual. You have another, you know, life that you want. But yahan tak main samajhti hu, logon ko ye bhi pata chal raha hai ki Quran, Islam is fake. It's a fluke. The revelation, it's a copycat from. Yahan tak maine bhi observe kiya, it's a copycat from all other religions. क्योंकि मैं सिमिलैरिटीज सनातन हिंदू धर्म का देखती हूँ, मैं उसमें क्रिश्चियनिटी का देखती हूँ, मैं उसमें जूरिज्म का मैच देखती हूँ. सो यू नो, जब मैं ये सब कुछ को खुद अपने सामने देखती हूँ, आई फील लाइक यू नो इट्स नथिंग ओरिजिनल इज इन देयर. लेट मी पुट दिस वे, इस्लाम में देयर इज वन थिंग व्हिच इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव टू इस्लाम, इज वायलेंस एंड सेक्स ऑब्सेशन. हाँ, बहुत ज्यादा. यू आर राइट, दैट इज correct. Let me write it down. You are absolutely this kind of violence and this kind of subjugation to women or sex obsession is not seen in any other religion. See, Christianity has also spread with the help of sword or with the help of gun, whichever way. So violence, okay? But if you see Africa or if you see any other continent right now, it has become mainly peaceful and it does not have violence except for that. You know, except for what propagation was needed for in the initial times. Now if you see Islam, Christianity is more or less peaceful now. If you see in any continent, they're not using guns to convert or do anything. Similarly, the sex obsession is not there. No. Similarly, women are treated with a lot of. I mean, whatever I've seen, women may not be given the equal status because there's no goddesses in Christianity. But yes, they're not being subjugated. There are. I've not heard of any kind of statements in Bible which says that women are secondary and they cannot vote or they cannot have property. I've not heard. I'm not sure of that because I've not read Bible completely. But these things are very exclusive to Islam. Where did they borrow this aspect from? Any clue?
ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपने बोली है. एक बात मैं आपको आपके साथ मैं एग्री करूंगी एंड यू नो आई विल स्टडी इट आराम से, बट आई एग्री विथ यू क्योंकि वाइफ बीटिंग इज नॉट इन द बाइबल इन एनी ऑफ देम बाय द वे, इन ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट जैसे हाथ उठा के उनको मारना, ठीक है. सो इन दैट सेंस एक औरत की यूं बेहरमती नहीं है. हाँ, एक औरत चर्च में हो तो जरा खामोश हो, यू नो. मगर आपकी बात तो आपने बिल्कुल पिन पॉइंट मारा है. ये तो जरा मैं और भी इन्वेस्टिगेट करूंगी कि वायलेंस और ये जो सेक्सुअल लस्ट का है एक औरत के पीछे इतने पागलों की तरह जो इस्लाम में है, ये टू बी ऑनेस्ट मैंने क्रिश्चियनिटी में यूं नहीं देखा. अब वायलेंस भी कितना हद तक है, किस बात पे हुआ, क्या हुआ, वो उस जमाने में आई थिंक इट वॉज फ्रॉम ऑल द प्लेसेस टू यू नो सब में था. आई थिंक उस वक्त में at that time, let's say if it was 1800, 1700, 1600, jo bhi hum log reverse jaye, I think it was between all of them, something was going on. But abhi hum log dusre era mein hain, let's assume all of them did something stupid, everybody, okay, I mean violence in a wrong way. Magar aaj hum log dusre era mein hain, we should be going forward. Jaise ki maine dekha hai, like Christianity aage badal gaya hai, matlab aage ja raha hai time ke sath. Aap log aage ja rahe ho, matlab jo sanatan hai unka dharm hai, wo time ke sath aage, technology, you know, they are forward, the other religions, way of life, they are going forward, evolving, theek hai, apne logon ko educate kar rahe hain. Magar jahan par main Islam ko dekhti hu, they don't want to go forward, they want to bring that up jo ke 1400 pehle tha. They want to go at that time and live by those rules. That amazes me. That makes me sick as well, but amazes me their IQ level. Isn't it funny? I mean, they started from Registan, from desert. So if they really want to go back there, they should go back to deserts area only. You know, why are they going to green areas and mountains and you know near rivers and all? So contextual things are okay, as you said. Things are always contextual. They use. I'm just literally then again drifting away. See, in Islam, you pray green. Why? Because it was not available in desert, right? In Hinduism, we pray sun because that's the almighty force. Okay, we pray. You know, there's so many things. If you see, there's a very beautiful story. Maybe sometime or other, not now. It will go too much. Yeah. But that's ये मेरा सोच है ना कि मतलब that is it's a mix of many things. Freedom. You जैसे कि मैंने किताब पढ़ा, it was not about freedom for me क्योंकि मैं already free जिंदगी कर रही थी. I didn't give a rats. जैसे दिल करे बाहर कपड़े पहन के निकल रही हूँ, जिंदगी कर रही हूँ, you know. हाँ, but I didn't eat pork. I did drink once in a moonlight, very little. But did you ever dance or not when you were a Muslim? Because I have heard dances also allowed in Islam. I did just about everything. I went to discos, had fun, swimming, enjoy किया. So हाँ, swimming in swimsuit. नहीं, beach में मैं कभी नहीं गई, but later on I did. मगर ये है कि और किसी ने किसी की तरफ देखा तक नहीं, यू नो, दैट्स द अमेजिंग पार्ट. नोबडी वाज लुकिंग लाइक अ कहते नहीं ये वुल्फ की तरफ, भूखों की तरफ, कुछ कोई देखता नहीं, जुबान निकाल के किसी ने भी ये हरकत नहीं की. दिस इज मोर कॉमन इन मुस्लिम्स एक्चुअली, दिस इज अ फैक्ट. इजंट इट वियर्ड लोग देखना इस तरह से, आई एम लाइक व्हाट आर यू लुकिंग, आई मीन रियली. और मैंने ये भी देखा है कि अगर आपने चादर भी पहना हो, ढंग के भी कपड़े पहने हो, कमीज सलवार, तब भी घूरते हैं. आखिर में मैंने जब भी लास्ट नाउ इट्स मेनी इयर्स नाउ, मैं पाकिस्तान गई थी, मैं जो पाकिस्तान कभी जब गई थी उस वक्त बिकॉज आई गॉट सिक ऑफ इट, ना मैंने मेकअप किया, जैसे इस वक्त भी मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बाल हमेशा ऊपर, नेवर लो, सामने चादर, ढीले कमीज सलवार, यू नो, एंड जस्ट नॉट लुक हेयर एंड देयर, हमेशा आंखें नीचे, यू नो, इट्स लाइक मी डूइंग द हया थिंग, मतलब अपने आंखें नीचे करके. मर्द हया नहीं उनमें, इनको भी चाहिए अपने आप को पूरा सर पे चादर करके अपने आप को कवर करें, क्या मैं बोलू ना इनको. मगर anyway, but my point here is कि इस्लाम को लोग इसलिए भी छोड़ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्रीडम, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप जब कुरान को पढ़ना शुरू करते हो, कुछ मीडिया में होता है, आप कुरान को खोल देते हो, आप लोगों के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देते हो, आपके एंटेने खड़े हो जाते हैं, तो आप इस्लाम को छोड़ते हो. फॉर एग्जाम्पल 9/11 हुआ था, मुझे किसी ने बताया कि वो मुसलमान था, मगर जब 9/11 हुआ तो उसके एंटेने खड़े हो गए, उसने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, एंड ही लेफ्ट इस्लाम. सो many people they probably took Islam, you know, they went towards Islam. बहुत से लोग जो है उन्होंने छोड़ा इस्लाम को, जब उन्होंने देखा कि इस्लाम का ये बिल्डिंग जो गिरी है, ये वो हुआ, ऑपोजिट इफेक्ट हुआ. मेरे लिए वो इफेक्ट नहीं था, मेरे लिए पेडोफिली था कि मोहम्मद जो है वो उसकी कोई ड्रॉइंग कर रहा है, फिर उसकी कोई वो पेडोफाइल है. तो मैंने कहा से पेडोफाइल है भाई, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो. फिर मुझे हदीस का पता चला, मैंने कहा पाप रे, ये हदीस क्या है. खैर, जब मैंने वो स्टडी किया तो मैंने वो छोड़ा, एंड देन मेरी फ्रेंड ने मुझे बातें बताई, यू नो, एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड, यू नो. आप 40 साल का बंदा है और 12-13 साल की बच्ची है. 40 का भी नहीं था, 50 का था.
और वो खुद भगवान के मैसेज मतलब क्या बोलूं आगे होकर अपना कैरेक्टर तो ठीक रखते, पर कैरेक्टर ढीला था तो क्या बोलना है। एनीवेज अमीना एक क्वेश्चन वैसे आपसे जो ये है, क्या ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर्स जिसमें मेजोरिटी रोल इस्लाम में इसका ही आता है, यू नो मुस्लिम लोगों का ही आता है, सो इस्लाम बदनाम हो गया है, मुस्लिम बदनाम हो गया है, तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो मुस्लिम्स हैं दे आर यू नो गोइंग अवे फ्रॉम इस्लाम एंड दे आर बिकमिंग एक्स मुस्लिम्स? Maybe it's I would say it's maybe us cheez ki wajah se unko awareness ho raha hai, you know, they're getting curious what Islam is, but I think the most reason, I mean jo cheez unko same soch mein leke aa raha hai wo hai actions unke khilaf, jaise ki Iran mein sakhtiyan hain, restrictions hain, wo cheez unko zyada jo hai na wo chhodne mein wo kar raha hai, unko majboor nahi unko us taraf kheench raha hai, because ek hota hai na kuch rules and regulations and then you can choose from it, मगर इस्लाम आपको चूज करने की नहीं देता, सख्त किस्म का रिस्ट्रिक्शन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, मार धार। अभी ऐसे रिसेंटली किसी दो टिकटॉकों को किसी ने जेल में किया, आई थिंक इजिप्ट के थे वो लोग, ठीक है, तो आपको कोई खास वो नहीं है, फ्रीडम नहीं है इसमें, सो आई थिंक इट्स द रिस्ट्रिक्शंस इन द मुस्लिम कंट्रीज दैट आर मेकिंग देम लीव। बहुत ज्यादा शायद लोगों को एकदम दबा के रखना या कॉम्पैक्ट करके रखना, गर्ल्स के लिए तो है ही है, बट हस्बैंड्स के लिए भी आई एम श्योर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, अल्कोहल नहीं पी सकते हो, it's more undercover for the men, it's they can get away with it more, but hai to sahi na, hai to sahi, of course hai to sahi na bhai, aap openly music nahi sun sakte, aap openly dance nahi kar sakte, you are not free, you are being compartmentalized, yes, right, aap andar dab ke chup ke kuch bhi karo par tab dar hamesha rahega na ki bhai kisi mall ke mulle ne dekh liya to meri to aise aise ho jayegi, bilkul youth, acha main aapko example batau, ek youth are rebellious, yes youth are rebellious, unko kaise contain karenge, वही तो बदल रहे हैं ना, और उम्र वाले भी थोड़े से, मगर दिस जनरेशन दैट इज कमिंग आफ्टर मी एज वेल, एक तो मेरा जो जनरेशन है, मगर जो हमारे बाद आएगा दैट विल बी लाइक क्रेजी लिटरली। मगर मैं आपको दो स्टोरी बताती हूँ, दो लोगों ने इस्लाम कैसे छोड़ा, दे वर इन द इस्लाम फॉर 10 years, कन्वर्टर्स टू वुमेन, 12-14 साल के बाद दोनों ने छोड़ दिया, एक्चुअली 3 cases, 2 इन डेनमार्क दैट आई नो ऑफ, एंड सबके बच्चे हुए थे, और जो एक है वो कैनेडा में मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड she was married to a Hizbul Tahrir, that's the worst part, or the reason she left him at the end, jo usko kehte hain ye snap hua, wo literally dar gayi, you know, and she realized Islam's true face, kyunki usne kaha shuru shuru mein they sugar coated, you know, they tell the good goody shuddy stuff Islam ke bare mein, you know, Bibi Khadija unko yaad aata hai, Aisha ko bhul jate hain bolna, to usme jo hai jab uske niya ne baat ki na ki hum log Syria jayenge, ISIS and all that, to aur bachchon ke sath sab ke sath, she had a full stop, and then she realized this is dangerous, ye khatarnak cheez hai, ye main apne bachchon ko wahan pe nahi leke jaungi, pata nahi meri aulaad ke sath kya hoga, to mere sath kya hoga, so she just stopped, aur uske bacche bhi, luckily she divorced, ye bhi bahut bada dil chahiye hota hai ki 3 bachchon ke sath aap is tarah se apne aap ko divorce kar rahe ho, kyunki pata nahi aapko milega bhi nahi, but I'm happy she did it, she left him, to abhi apna free life kar rahi hai, you know, uska interview bhi maine kiya tha, very lovely lady, aur एक और डेनिश औरत है यहाँ पे, उसके साथ भी मैंने बात की, तो उसने भी टाइम के साथ इस्लाम छोड़ा, शी रियलाइज देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट इस्लाम, और एक और यंग लेडी जो थी तीसरी दूसरी यहाँ पर जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसने भी 12 साल इस्लाम में रहते हुए फिर उसने इस्लाम छोड़ दिया, बिकॉज उसका मियाँ उसके साथ 1-2 साल तक ठीक था, उसके बाद उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया उसने, ही वॉज वेरी नाइस, एंड शी सेड यू नो वो लोग क्या करते हैं ये मर्द, दे फाइंड दीज गर्ल्स व्हेन दे आर वल्नरेबल, when they are vulnerable, जब वो लोग 18-19 की उम्र में होती है ना, जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त इनको छोड़ते हैं, फिर जब ये मैच्योर होती है तब जाके वो छोड़ती है इस चीज को, टीनेज, यस, इन यूथ जो कि उनको इस्लाम के ऊपर पता नहीं होता, सो व्हाटएवर दे गिव देम व्हाट दे वांट टू हियर कम्फी, यू नो, रिस्पेक्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर कम्युनिटी भी जो मुस्लिम की होती है वो उनको गले लगती है, बहुत प्यार देती है शुरू शुरू में, और फिर उनके ऊपर जो है ना GPL करते हैं उनको, ठीक है ना, झटका करते हैं, बट एक चीज बड़ी खराब लगती है अमीना, आई मीन खुद औरतें भी इस चीज में इन्वॉल्व होती है, व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, एंड देन दे वांट अ गर्ल, ठीक है किसी भी कम्युनिटी से आ रही है, क्योंकि तो इंसान है ना, आपका बच्चा भी कल को कहीं जाके फंस जाए, बीइंग मदर्स, यू नो, अ ट्रांसफॉर्मेशन कम्स इन लाइफ व्हेन यू बिकम अ मदर, व्हेन यू बिकम अ मदर, जैसे आप अपने बच्चे को देखते हो ना, आप दूसरे बच्चों को भी वैसे देखने लग जाते हो, यू नो, दोस आर डिफरेंट इमोशंस ऑल टुगेदर, यू बिकम वेरी डिफरेंट, यू नो, यू स्टार्ट केयरिंग मोर, नॉट ओनली फॉर योर ओन ब्लड बट फॉर अदर्स ऑल्सो, तो ये जो औरतें हैं इन आसमानी कम्युनिटी की, क्या इनको नहीं देखते, इनके अंदर ममता नहीं है, या क्योंकि ये हलाल खाती रही हैं, हलाल करती रही हैं बचपन से, तो वो खत्म हो गया इनके अंदर बिल्कुल, I don't know, कभी कभी I feel like they really don't understand, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कभी कभी when they see what you know what they have gone through अपने जिंदगी में, जो उन्होंने सहा है, तो वही चीज वो दूसरों में भी थोपना चाहते हैं, मैंने आपको जैसे कहा ना, मेरे ख्याल से वुमेन आर बिटरनेस वर्स्ट एनिमी,
I feel. But this thing is more common in I think Pakistani community for the reason because क्या वो क्योंकि खाला की बेटी है या आस पड़ोस की है मतलब सब आपस में ही जुड़े हुए हैं तो वो शायद जेलसी या ईर्ष्या या एजुकेशन आई सी देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स ऑन यू ऑन व्हिच यू कैन जज दिस बट आई थिंक हुदा आई थिंक इट्स देयर इन ऑल द वुमेन ओके देयर इज समथिंग कैट फाइट हर जगह होती है बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू रेगिस्तानी कम्युनिटी दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डू एनीथिंग ऐसा लगता है क्योंकि जो बंदी माँ बन गई है एक बेटी की माँ है अगर वो किसी दूसरे की बेटी को टॉर्चर कर रही है सो दैट इज अनडाइजेस्टेबल एंड कैसे कर सकता है वही तो मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता बट इट एग्जिस्ट अनफॉर्चुनेटली बट आई होप इस जनरेशन के बाद बदल जाए मतलब हमारे जनरेशन के बाद थोड़ा सा टूटे ये चीज अनदर वेरी लॉजिकल क्वेश्चन इज इन यूरोप द राइज ऑफ एक्स मुस्लिम्स इज मोर आई मीन यूरोप एंड अमेरिका बोथ द राइज ऑफ एक्स मुस्लिम्स इज हायर सो वन एंगल इज द टेररिज्म पार्ट And the another is the freedom that they are seeing. That another point. And the third is, they are not being accepted by the society. Is it? I would not say that. मगर मैं ये कहूँ अब तो क्या ex-Muslims accepted नहीं हो रहे? नहीं, the Muslims themselves are not being accepted. No. Something like that. मुझे नहीं लगता क्योंकि अमेरिका बहुत ही ओपन माइंडेड है अगर देखा जाए मे बी टू मच मगर आई वुड से कि इट इज जब आप कुरान को पढ़ते हो तो या कोई जिसके हाथ से होते हैं तो उससे आप क्यूरियोसिटी आपकी जाग जाती है एंड देन यू गो टू द थर्ड यू नो द बुक कुरान की तरफ आप जाते हो हदीस की तरफ जाते हो आप पढ़ना शुरू करते हो आप इधर उधर घूमते हो आप देखो कितने मुस्लिम्स हैं कुछ भी हो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं सुनने के लिए यू नो बात करने के लिए आर्ग्यूमेंट देने के लिए बिकॉज उनमें क्वेश्चंस आ गई हैं क्वेश्चंस आ गई हैं डिफेंड करना चाहते हैं मगर मैंने ये भी देखा है कि जब वो आते हैं तो उनके पास अक्सर जवाब नहीं होता सो दैट इज ऑल्सो इनफ यू नो फॉर देम टू कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म शोज दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो लोग डिफेंड करना चाह रहे उनमें भी सवाल आते हैं खामा खामा नहीं आते नहीं कुछ गालियां देने भी आते हैं नीचे कमेंट्स में अच्छी अच्छी गालियां लिखी होती है भर भर के लिखी होती है वो तो फियर है ना उनमें वो तो उनका फियर है बिकॉज देखो गालियां तो जहां तक मैं समझती हूँ वो आके देते हैं व्हेन दे आर अफ्रेड व्हेन दे आर रियली अफ्रेड दैट यू माइट बी राइट जो आप कर रहे हो जो बोल रहे हो आप सही कह रहे हो देखो यू वुड नेवर रिएक्ट व्हेन यू आर इफ समबडी इज लाइंग ठीक है अगर आप बैठ के कुछ कह रहे हो मुझे पता है ये झूठ बोल रही है तो मैं बैठ के बोलूंगी तोबा कैसे लाइन मार रही है मगर हाँ अगर मुझे डर होगा कि ये वाकई सही तो मैं आपको गालियां दूंगी आपको आपका मुंह बंद करने के लिए you know? offense is the best defense. Exactly. So ये चीज इनके अंदर ये पैनिक अटैक हो रहा है ये इसलिए भी हो सकता है कि आप क्योंकि जैसे एक मैंने एक नया ट्रेंड आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ मौलवीज एंड क्लेरिक्स एंड मौलानास because I had certain topics and certain queries in my mind and I wanted them to come and do it live pe kar li bhai you know later they can claim ki bhai isne editing kiya ye kiya wo kiya so bas ek aap live pe aa jaiye ha but then they said ki we have a very strict command and diktat that maulvis and maulanas and all these people will not go on channels and all these people and they will not have any kind of open debates and I'm talking about nobody but ab nizamuddin aapne suna hoga nizamuddin ki dargah delhi मेरे वहां पे बात होती है सो इमेजिन द काइंड ऑफ कंट्रोल दे हैव यही तो मैं आपको बता रही हूँ एक मुल्ला है जिसका मैं आपको वीडियो भेजूंगी उसमें उसने कहा है मैसेज दिया है मुसलमानों को डू नॉट गो ऑन एक्स मुस्लिम प्लेटफॉर्म्स डर देखो अच्छा दूसरा ये क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं देना चाहते हैं जैसे मैं बात करती हूँ कि आपके उसमें अगर आपके अल्लाह ताला इतने अच्छे कैरेक्टर वाले थे तो पीडोफीलिया या तो पीडोफीलिया नहीं हुआ होगा या फिर भाई वो गलत है मैडम हमको अलाउड नहीं है दिक्कत आते हैं हम बड़े हिसाब से बात करके बताएंगे थैंक यू गुड देखो कोई अभी आके कहता है ना नाउ आई हैव लाइक डिसाइडेड समबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इस्लाम विद मी आई हैव टू क्वेश्चंस द मेन पॉइंट इज आप शहादा देते हो या आप याद रखिए कोई भी इस वक्त सुन रहा है तो याद रखिए ये बात आप शहादा देते हो आई विटनेस दैट देयर इज वन गॉड एंड मोहम्मद उसका वो है मैसेंजर है अच्छा अगर आप विटनेस कर रहे हो तो वो विटनेस दिखाओ किस चीज को विटनेस अगर मैंने भी मुसलमान होना है आई विटनेस समथिंग ठीक है मैं शहादा दे रही हूँ आई विटनेस देयर इज वन गॉड वेयर इज दिस वन गॉड दैट आई हैव टू विटनेस टू शो मी दैट गॉड बिफोर आई विटनेस मतलब आप मुझे कह रहे हो कि आई हैव विटनेस दैट देयर इज वन गॉड बट देयर इज दिस वन गॉड आई मीन देयर इज नो वन गॉड एक बात दूसरी मेन पॉइंट है माय डियर गायत्री जी गौर से सुनिए आप मुसलमान से एक सवाल कीजिए कुरान किसने लिखा है
आपको इधर उधर का लाइन मारेंगे, आपने उनको बोलना है बात इधर ही रुको, मुझे बताओ कुरान में कितने लिखा है कि कुरान किसने लिखा है। अगर आपके पास जवाब ही नहीं है तो मेरे साथ आगे आप बात नहीं कर सकते हो इस्लाम के ऊपर, बात खत्म। जब आपको यही नहीं पता, जब आप किताब पढ़ते हो, जब आप एक किताब पढ़ते हो कोई भी, ठीक है, उसके फ्रंट पेज पे द ऑथर्स नेम, द फर्स्ट थिंग वी डू इज द ऑथर्स नेम, यू ऑलवेज नो कि ऑथर कौन है, सोर्स कौन है, ठीक है, हु इज द राइटर, हु सैट एंड रोट। अल्लाह को तो सब कुछ याद था कि कितने शादियां करो, कैसे कवर करो, क्या नहीं खाओ, तो पता नहीं क्या कुछ। अल्लाह को ये याद नहीं था लिखना कि भाई कौन लिख रहा है इसको, मैंने किसको हुक्म दिया लिखने के लिए, ये भूल गया, अमनीजिया हो गया उसको, क्या है ये परफेक्ट खुदा तो तुम लोगों का है, किधर किधर गया इसका ये चीज। एंड देन दे से वेल वी हैव द ओरिजिनल, ये भी याद रखना, ये भी आपको लाइन मारेंगे कि ओरिजिनल कुरान एक तो यूके में है और एक तुर्की में है, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज द ओरिजिनल बुक वॉज डिस्ट्रॉयड बाय आई थिंक उत्मान, द ओरिजिनल बुक वॉज बर्न्ड बाय हिम, He sent, उसने मंगवाया कुरान को, मैं आप उसमें पॉइंट बता रही हूँ जो सुन रहा हो कि ओरिजिनल उसने मंगवाया हफ्जा से, आई थिंक द नेम वॉज, आपको सोर्स भी मैं दे दूंगी, और उसने उसको बुलाया, उसको जो भी जिस स्टोन पेजेस पे भी लिखे हुए थे सारा बुलाया उसने हफ्जा से, उसने सारा उसको रीराइट किया इन अनदर डायलॉग इन अनदर लैंग्वेज दैट आई अंडरस्टूड। उसके बाद उसने वापस उस चीजों को, वो जो ओरिजिनल था, वापस हफ्जा को भेजा और उसको कहा डिस्ट्रॉय इट, एंड द कुरान वॉज कंपाइल्ड इन टू अ बुक आफ्टर मोहम्मद डाइड। ये कुरान बुक नहीं था, कुरान कुरान नहीं था, मतलब बुक की तरह, जब तक मोहम्मद जिंदा थे, सो एनी मैनिपुलेशन कुड हैव हैपेंड बिकॉज मोहम्मद मर गया तब ये किताब बनी है, किताब मोहम्मद के जिंदा हुए वे नहीं बनी। जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं वो किसी धर्म को अपना रहे हैं और they're becoming atheists, like what is their direction forward? ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया इस बेस पे भी ऑफकोर्स लोग बहुत से छोड़ रहे हैं बिकॉज कोई रीजनिंग नजर नहीं आ रहा उनको, एक चीज, मगर जो मैंने देखा है ये एक फैशन देखा है, मैं आपको बताऊं, जो दीन लोग अगर लेते हैं या तो सनातन धर्म लेते हैं वो लोग, बुद्धिस्ट में लेते हैं वो लोग, या क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, ये मैंने मतलब मेनली देखा है उनको अपने नजदीक, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डू अंडरस्टैंड बिकॉज देर इज समथिंग इंट्रीगिंग अबाउट दीज टू। एंड उसके अलावा मैं ये भी कहूंगी, आजकल जो मैंने खुद पर्सनली इस्लाम को छोड़ के जो मैंने नोट किया, द फर्स्ट थिंग पीपल आस्क मी आर यू एन एथियस्ट, आर यू एन एग्नोस्टिक, यारी यारिया, तो मैंने कहा नहीं, एथियस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एथियस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया था, किसी भी वीडियो में नहीं कहा था मैं एथियस्ट हूँ, मैंने ये जरूर कहा होगा कि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इफ आई एम एन एथियस्ट और एग्नोस्टिक, मगर मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं हूं एथियस्ट फॉर श्योर। मैंने एक रवाज देखा है एथियस्टों में, एग्नोस्टिक में तो मैं नहीं कहूंगी, एक नया फैशन है, जब आप एथियस्ट बनते हो देन सबकी घंटी मारो, सब रिलीजन की घंटी मारो, ये एक रवाज देखा है मैंने, व्हेन यू बिकम एन एथियस्ट, व्हेन यू कॉल योरसेल्फ एन एथियस्ट, सब देन यू हैव अ न्यू मिशन कि आपने हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म को भी जूती मारनी है, क्रिश्चियनिटी को भी जूती मारनी है, जूस को भी, जूस को खैर नहीं मारते, मतलब सबको जो है हम लोगों ने उन सबकी घंटी मारनी है, क्योंकि मतलब या तो आप रियल एक्स मुस्लिम नहीं हो या तो फिर आप पता नहीं क्या हो, बट द मेन पॉइंट इज देयर मिशन इज टू यू नो टू बैश ऑल द रिलीजन्स। व्हाट हैपेंस इज, ये मैं आपको लोगों को सिर्फ एक पॉइंट बता रही हूँ बिकॉज आई डिसलाइक दिस न्यू फैशन, जो एक्स मुस्लिम किस्म की हरकत करता है मेरे ख्याल से, जो अपने आपको एथियस्ट कहता है, सॉरी जो आपको अपने आपको एथियस्ट कहता है और इस किस्म की बिहेवियर करता है, फॉर मी इट्स लाइक बीइंग अ मुस्लिम अगेन, क्योंकि इस्लाम बेसिकली बैशेज ऑल द रिलीजन्स बट इटसेल्फ, एंड आई फील एथियस्ट भी ये हरकत करते हैं कभी कभी, दे आर हार्ड कोर एथियस्ट एंड दे बैश द अदर रिलीजन्स, जो कि उनको हार्म भी नहीं करता, जो कि उनको तकलीफ भी देना नहीं चाहता, जो कि सिर्फ इस्लाम करता है, दैट्स व्हाई आई ओनली स्पीक अबाउट इस्लाम, प्लेन सिंपल। तो ये चीज मैंने आपको सिर्फ इन होल बताना था कि जो एथियस्ट बनते हैं अक्सर मैंने उनको देखा, आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से सम ऑफ देम एटलीस्ट दे आर डूइंग दिस एंड अपने प्लेटफॉर्म्स पे एटलीस्ट। और जिनको मैंने देखा है अपना नया अपनाने में धर्म, इट इज इधर सनातन / हिंदू धर्म, या मैंने उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हुए देखा है, और चंद को मैंने बुद्धिज्म की तरफ जाते हुए देखा है, मैंने किसी को किसी और धर्म की तरफ जाते हुए या रिलीजन की तरफ जाते हुए नहीं देखा, या जैसे कि जूडिज्म होता है, वेरी रेयर केसेस, जूडिज्म थोड़ा सा सख्त लगता है मुझे, टू बी ऑनेस्ट, देयर इज जस्ट माय पॉइंट। Thank you so much, Amina, for coming and sharing your views. It was wonderful. It was very nice and lively. I enjoyed the whole session. And we'll take up a new topic very soon. Thank you so much, Jai Hind, Jai Shri Ram. Thank you for having me. Thank you.